केवल ये रिश्ता क्या क्या है लाता है में होगा दादी सा को बहुत पछतावा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा बीरा इतने इल्जाम सुनने के बाद दादी सा के जो इल्जाम होते हैं और उसकी माँ पर जो सवाल यानी अक्षरा पर सवाल खड़े किए होते हैं उससे बिखर कर रह जाती है अबीरा। टूट जाता है उसका दिल और वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रह पाती और अरमान को उसकी जिम्मेदारी और उसके माँ से माँ का दिया हुआ वादा तोड़कर यानी कि वो कहती है मैं तुम्हें मुक्त करके जा रही हूँ अरमान पोदार और वो वहां से नाराज होकर घर से निकल जाती है रोते हुए जहाँ पर उड़ जाएंगे सबके होश। यहाँ पर माधव और वहां समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अरमान अबीरा का साथ देना चाहिए लेकिन अरमान दादी सा को मनाने के चक्कर में रह जाता है। अबीरा घर छोड़कर चली जाएगी वहीं दादी सा जो अपनी ऐंठ में यानी कि अपने गुस्से में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि वो अरमान की बात सुनने को तैयार नहीं होगी और अबीरा को घर से निकाला दे दिया है। अबीरा को रोकने की कोशिश भी किसी को नहीं करने देती लेकिन अब होगा जो हादसा उसके बाद दादी सा को बहुत पछतावा होगा। माधव भी उस पर भड़केगा और देखने को मिलने वाला है कि अबीरा की हालत बुरी तरह से खराब होगी जिसके चलते हुए दादी सा पर इल्जाम लगने वाला है कि उसकी हालत का जिम्मेदार वो है। देखने को मिलता है कि वहीं पर दादी सा अबीरा की ये हालत देखकर बुरी तरह से पछताते नजर आएगी। उसके साथ लम्हे जो दादी सा ने बिताए हैं जिस तरह से अबीरा ने हमेशा ही दादी सा का साथ दिया है चाहे वो स्टेज पर स्पीच देना हो या फिर घर में कोई त्योहार फेस्टिवल क्यों ना हो हमेशा अबीरा ने एक बहू होने का फर्ज निभाया है ये चाहे वो एक साल का रिश्ता ही क्यों ना था। लेकिन देखने को मिलेगा किसी बात को लेकर अब दादी सा पछताते नजर आएगी।